स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का CA फाउंडेशन के एक और इस राइटिंग प्रैक्टिस सेशन में, जहां पे आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और दोस्तों इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो भी पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन रहेंगे, हम लोग उन क्वेश्चन की पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उससे रिलेटेड कौन सा प्रोविजन हिट होने वाला है उस प्रोविजन को हम लोग पर्टिकुलरली देखेंगे, एंड देन उसके बाद में वहां पे उस पर्टिकुलर प्रोविजन को उस क्वेश्चन के साथ अप्लाई कैसे करना है, ये सारा के सारा सिनेरियो हम लोग यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं एक बार हमारी मेन स्क्रीन पर और देखते हैं फटाफट से हमारे सामने कौन सा पहला क्वेश्चन आज का आने वाला है। सो देखिए यहां पर ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, और इस ए पार्ट में दो अलग अलग क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एक क्वेश्चन है मालिक फॉर 2 मार्क्स एंड अनदर क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स। 4 नंबर और 2 नंबर टोटल मिला के 6 नंबर का क्वेश्चन है। फर्स्ट जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वहां पर ये पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। ओ सिंपल क्वेश्चन है, एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो यहां पर सिंपल सी बात है भाई, हम लोगों को यहां पर मेंशन करना है जो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप होती है। आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में बता के रखा है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। आपको क्लास का डिस्कशन याद आना चाहिए कि मैंने तुम्हें क्या बोला था। जो 4 टाइप की पार्टनरशिप होती है उसमें पहली होती है पार्टनरशिप एट विल, दूसरा होता है फिक्स ड्यूरेशन पार्टनरशिप, तीसरी होती है ऐसी पार्टनरशिप विच इज इनकॉर्पोरेटेड फॉर अ स्पेसिफिक वर्क, एंड चौथी होती है जनरल पार्टनरशिप। तो अब हम लोगों को यहां पर ये कुछ भी कंटेंट एक्सप्लेन नहीं करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है वो हमसे डायरेक्टली पूछ रहा है कि पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, फिक्स पीरियड के लिए पार्टनरशिप क्या होती है, ये हम लोगों को यहां पर एक्सप्लेन करना रहेगा। तो एकदम छोटू सा सिंपल सा आंसर यहां पर बनने वाला है। मार्क्स को देखते हुए तकरीबन एक पैरा जितना हम लोगों को लिखना है, स्मॉल पैरा जितना लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर कि हमारी फिक्स ड्यूरेशन वाली जो पार्टनरशिप क्या होती है इसके प्रोविजन को हम लोग यहां पर मेंशन करेंगे। सो मालिक यहां पर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए का 1, और यहां पर इसका लिखना स्टार्ट करते हैं आंसर। तो हम लोग सबसे पहले यहां पर एक हेडिंग डाल देंगे, दैट इज पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। नाउ हम लोग एग्जैक्टली हमारे बुक के पूरे कंटेंट को यहां पर मेंशन करेंगे। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे वेयर अ प्रोविजन इज मेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। इट इज अ पार्टनरशिप क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, सच अ पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड। ओके, सो नाउ इतना सा मेंशन करना है हम लोगों को यहां पर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, और ये आंसर लिखने के तुम्हें CA फाउंडेशन जैसी एग्जाम में कितने मार्क्स मिलने वाले, 2 मार्क्स। बस इतना आंसर लिखना था। सर बोले क्या हम इसमें कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या, नॉट रिक्वायर्ड। सर क्या हम हमारे मन से कोई और कंटेंट लिख सकते हैं क्या, अरे जरूरत ही नहीं है भाया, जितना कंटेंट लिखा हुआ है हम लोगों को 2 नंबर के लिए उतना ही लिखना है। नाउ अब हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे जाते हैं, जहां पर ये क्या पूछ रहा है, कैन अ माइनर बिकम अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म। नो नहीं बन सकता। पर क्या डायरेक्टली आंसर की स्टार्टिंग ऐसे करेंगे क्या, नहीं। ठीक है, सेक्शन कौन सा हिट होगा याद होना चाहिए, चाहे तुम्हें कोई दूसरा सेक्शन याद हो या ना हो, लेकिन जब भी माइनर से रिलेटेड सेक्शन था दैट इज सेक्शन नंबर 32 में याद आना चाहिए। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द राइट ऑफ अ माइनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो हमको हमारा एक आंसर तो यहीं पे बन गया कि माइनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता जनरली, बट हाउएवर वो बन सकता है, तभी तो वो यहां पर पूछ रहा है सेकंड पार्ट में, जस्टिफाई योर आंसर एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द राइट ऑफ अ माइनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। ओके, सो इसका भी आंसर बेस्ड होगा ऑन सेक्शन नंबर 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं यहां पर ये क्या बोलना चाह रहा है। मैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की हेडिंग डाल देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए और पार्ट ए का सेकेंड पार्ट। इसका हम लोग यहां पर लिखने वाले मालिक आंसर, और आंसर का हेडिंग हम लोग लिखेंगे माइनर एज अ पार्टनर। ओके, सेक्शन याद हो तो लिख देना, सेक्शन नंबर 30 और नहीं भी याद हो तो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई नंबर कटेंगे नहीं अपने। लिखते हैं मालिक, अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हेंस अ पर्सन हु इज अ माइनर अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज
सब्जेक्ट में नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म, बट अब आएगा यहां पर हमारा डिप्लोमेटिक आंसर, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ही मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए क्या किया जा सकता है उस फर्म में, एज एन पार्टनर ऐड किया जा सकता है। नाउ अब भाई साहब को एज एन पार्टनर के तौर पे ऐड कर लिया, नाउ व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ माइनर पार्टनर। मैं यहां पर पेन का कलर चेंज कर रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा की पूरा ब्लैक कलर की पेन से लिखना है, आपको कोई भी दूसरे कलर की पेन यूज नहीं करना है। मैं यहां पर लिखूंगा राइट ऑफ अ माइनर पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, राइट ऑफ अ माइनर पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, बेसिकली वही जो हमारे बुक में लिखे हुए, हम लोग चारों के चारों पॉइंट, चार पांच पॉइंट जो भी है, वो सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग यहां पर लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट, अ माइनर पार्टनर हैज अ राइट टू हिज अग्रीड शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स एंड ऑफ द फर्म। जितना आपने उसका प्रपोर्शन शेयर डिसाइड किया है, आपको उसको उसके शेयर के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, दैट इज द राइट ऑफ द माइनर। सेकंड, ही कैन हैव एक्सेस टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म, वो फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट भी कर सकता है, इवन दो चाहे तो उसकी कॉपी भी ले सकता है। तीसरा, ही कैन सू द पार्टनर्स फॉर अकाउंट्स और फॉर पेमेंट ऑफ हिज शेयर, बट ओनली वेन सिवरिंग हिज कनेक्शन विद द फर्म एंड नॉट अदरवाइज। ओके, ठीक है, वो इवन दो चाहे तो पार्टनर के ऊपर सूट भी फाइल कर सकता है। नाउ लास्ट पॉइंट हम लोग यहां पर लिखेंगे ऑन अटेंडिंग मेजोरिटी, ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अपन लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ही मे विद इन 6 months elect to become a partner or not to become a partner। वो 6 महीने के अंदर अंदर डिसीजन ले सकता है कि वो चाहे तो फॉर्म में पार्टनर बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। आगे लिख भी देंगे ना हम लोग इसको, थोड़ा बड़ा दो, 4 नंबर का क्वेश्चन है। If he elects to become a partner, then he is entitled to the share to which he was entitled as a minor, full stop। If यदि मान लो वो नहीं बनेगा तो फिर कोई liability थोड़ी ना bear करनी पड़ेगी। If he does not, doesn't भी लिख सकते हो आप, does not, then his share is not liable for any acts of the firm after the date of the public notice served to that effect। मालिक पब्लिक नोटिस देने के बाद से वो किसी भी तरीके की लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं होगा। ये 6 नंबर का क्वेश्चन जो था, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट पार्ट, जहां पर एक पार्ट था आपके लिए 2 नंबर के लिए फिक्स ड्यूरेशन पार्टनरशिप, एंड 4 नंबर के लिए इन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा था विथ रिस्पेक्ट टू माइनर। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब हम लोग यहां पर सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन में हम लोगों को यहां पर कौन से प्रोविजंस को अप्लाई करना रहेगा। तो यदि हम लोग यहां पर सेकेंड क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी रहेगा, क्योंकि पार्ट ए जो है वो हमारा सोगा का पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी, मेसर्स एबीसी एसोसिएट्स इज अ पार्टनरशिप फर्म सिंस 1990। वाह भाई वाह, मतलब जब मेहुल सर के जमाने की पार्टनरशिप फॉर्म है भाई ये। मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी वर पार्टनर इन अ फर्म सिंस बिगिनिंग, मिस्टर ए बीइंग अ वेरी सीनियर पार्टनर ऑफ एज 78 ईयर्स। वाह भाई वाह, बड़ी लंबी उम्र है मिस्टर ए की। ट्रांसफर हिज शेयर इन द फर्म टू हिज सन मिस्टर प्रतीक, ओ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओ भाई साहब। मिस्टर बी एंड मिस्टर सी वर नॉट इंटरेस्टेड दैट मिस्टर प्रतीक ज्वाइन देम एज एन पार्टनर इन मेसर्स ए बी सी एसोसिएट्स। आफ्टर सम टाइम्स मिस्टर प्रतीक फेल्ड दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर डिस्प्लेइंग ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिस्पाइट अ ह्यूज टर्नओवर। ही वॉन्टेड टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर्ग्यूइंग दैट इट इज हिज एंटाइटलमेंट एज एन ट्रांसफरी। हाउएवर द अदर पार्टनर्स believe that he cannot challenge the books of accounts. Can Mr. Prateek be introduced as a partner if his father wants to get retire? Okay, as an advisor. Oh, bhai sahab, ye word padke na exam mein badi achhi feeling aati hai ki as an advisor help them
रिजॉल्व द इश्यू अप्लाइंग द नेसेसरी प्रोविजन फ्रॉम द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 6 नंबर का मेरे ख्याल से इससे सिंपल क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। यदि तुमने पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे और पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने के साथ साथ यदि अब तुम ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ पढ़ रहे होंगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली आंसर भी याद आ रहा होगा और अगेन वही सेक्शन नंबर 30 एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले पता है हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन के आंसर को दो पार्ट में मेंशन करना चाहिए। पहली चीज तो यह है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 30 फर्म में कोई भी पार्टनर तब तक इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि फर्म के सारे पार्टनर्स की कंसेंट ना ले ली जाए। ठीक है, सो यहां पर प्रतीक को जो आप एज एन पार्टनर बना रहे हो और उनके जो फादर है वो फादर ओल्ड एजेड हो चुके हैं एंड नाउ ही वॉन्ट्स टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म, भाई साहब जब तक बीसी मतलब बी एंड सी की कंसेंट नहीं मिलेगी तब तक प्रतीक यहां पर एज एन पार्टनर इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि मान लीजिए मिस्टर ए ने एज एन पार्टनर अपना इंटरेस्ट प्रतीक को ट्रांसफर कर भी दिया है तो वो इंटरेस्ट ट्रांसफर किया माना जाएगा या तो एब्सोल्युटली ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्गेज, या माना जाएगा उन्होंने चार्ज क्रिएट किया है, या मान लिया जाएगा उन्होंने कोई एज एन प्लेज क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो अब यदि दो पार्ट अलग अलग होते कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द फर्म एंड डिसकॉन्टिन्यूएशन मतलब एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अप, तो अभी फर्म जो है वो कॉन्टिन्यू है तो क्या जब फर्म कॉन्टिन्यू है तो वो जो ट्रांसफर ही रहेगा क्या वो ट्रांसफर ही फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है क्या? नहीं। क्या वो फर्म्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपी मांग सकता है क्या? नहीं मांग सकता। तो मालिक यहां पर प्रतीक जो सूट फाइल करना चाह रहा है कि नाउ ही वॉन्ट्स टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म बिकॉज फर्म का टर्नओवर बहुत बड़ा और प्रॉफिट बहुत छोटू सा शेयर कर रहा है, तो क्या यहां पर मिस्टर प्रतीक वो फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एज एन ट्रांसफर ही इंस्पेक्ट कर सकता है क्या? अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज प्रतीक यहां पर ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि अभी फॉर्म जो है वो फॉर्म कैसी है, कॉन्टिन्यूएशन में है। तो हमको आंसर दो अलग अलग पार्ट में लिखना है, सबसे पहला सेक्शन नंबर 30 एंड देन राइट ऑफ ट्रांसफरी इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ फॉर्म। तो चलो फटाफट से बिना टाइम को वेस्ट करते हुए भाई इससे हलवा इससे अच्छा लड्डू आपको एग्जाम में कभी नहीं मिल सकता है कि 6 नंबर में इस तरीके का क्वेश्चन वो लोग आपसे पूछ ले। भाई मैं तो यहां पर टाइटल डालूंगा, हेडिंग डालूंगा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी और बहुत ही धमाकेदार तरीके से मैं इसका लिखूंगा आंसर। आंसर में सबसे पहले हेडिंग डाल दूंगा मैं इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर। नाउ सेक्शन 30 एंड 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आप लोगों को पूरी की पूरे एग्जाम में पेपर ब्लैक कलर की पेन से लिखना है, रंग बिरंगी पेन से नहीं लिखना है। ऐसे भी सीए स्टूडेंट की जो जिंदगी होती है वो कभी भी कलरफुल नहीं होती है, सीए बनने के बाद ही कलरफुल होती है। नाउ यहां पर हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, यदि कोई उनके बीच में पहले से कॉन्ट्रैक्ट होके रखा है तो बात अलग है, लेकिन यदि नहीं हुआ है तो एंड टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30 नो पर्सन shall be introduced as a partner into a firm without the consent of all the existing partners. Correct है? मतलब उनके बीच में जो agreement हुआ है तो फिर बात अलग है, लेकिन यदि कोई भी agreement नहीं हुआ है तो according to section number 30, no new partner can be introduced without the consent of all the partners. बोले okay मालिक। तो यहाँ पर in the instant case, Mr. Pratik can be introduce as a partner with the consent of Mr. B and Mr. C. ये कौन है भाई? Existing partner है। ठीक है, जब तक इनकी consent नहीं मिलेगी तब तक हम लोग new partner को introduce नहीं कर सकते। Now ये बात तो खत्म हो गई, मतलब एक चीज clear हो गई कि Mr. प्रतीक को तो as a partner accept नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर B और C की consent ही नहीं थी। अब भाई साहब ए ने क्या किया? अपना शेयर जो है वो ट्रांसफर कर दिया। तो अब जो शेयर ट्रांसफर किया है वो कैसे शेयर ट्रांसफर माना जाएगा? एजेंट ट्रांसफरी, मतलब ट्रांसफरर कौन थे? मिस्टर ए। ट्रांसफरी कौन है? मिस्टर प्रतीक। अब प्रतीक जो शेयर होल्ड करके रखेगा वो कैसे होल्ड करके रखेगा? एजेंट ट्रांसफरी होल्ड करके रखेगा। करेक्ट, मतलब या तो माना जाएगा कि उन्होंने एब्सोल्युटली इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है पॉइंट नंबर 1, या हम लोग यहां पर लिख देंगे कि उन्होंने एजेंट प्लेज क्रिएट किया हुआ है। तो अब
यहां पर वो एब्सोल्यूट पार्टनर, कंप्लीट पार्टनर तब तक नहीं माने जाएंगे जब तक ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी मालिक, ठीक है। अब शेयर ट्रांसफर कर दिया तो क्या वो पार्टनर है? नहीं, वो केवल और केवल क्या माने जाएंगे? एज एन ट्रांसफरी। और चूंकि ट्रांसफरी है तो मालिक क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं क्या? याद करो यार, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। नाउ अब मैं इसका सेकेंड पार्ट लिखूंगा, बढ़िया तरीके से लिखते हैं यार, क्या लड्डू हलवा है 6 नंबर का। राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट, ऑफ अ पार्टनर इंटरेस्ट, सेक्शन याद हो तो लिख देना, मुझे याद है सेक्शन नंबर 29 लगता है यहां पर। ओके ठीक है यार। बच्चों सीरियसली एक बात बोलूं क्या? देखो ये जो राइटिंग प्रैक्टिस सेशन है ना, इस राइटिंग प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ मैं तुम्हें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं अभी नाउ एट प्रेजेंट इन सीए फाउंडेशन, नॉट ओनली एट विद्योदय, आई एम टॉकिंग अबाउट अक्रॉस द इंडिया, ओके अक्रॉस द इंडिया, पूरे भारतवर्ष में 3 टाइप के लोग हैं यहां पर, 3 टाइप के सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं। पहले स्टूडेंट्स वो है भाई, पहली कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, जिनकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है, जिनकी स्कूलिंग भी बहुत अच्छे से हुई है, और जिनके लिए ये सब्जेक्ट इट इज लाइक अ ऑर्डिनरी सब्जेक्ट कि हाँ कुछ कीवर्ड्स याद करना है एंड देन थोड़ी बहुत यहाँ पर अच्छी इंग्लिश आ जाए हम लोगों को तो हमारे लिए सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। तो आपको पता है उन बच्चों को ना ये राइटिंग प्रैक्टिस सेशन वेशन की जरूरत भी नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? बिकॉज वो पता है उन लोगों को कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे लिखना है, बिकॉज वो लोग बोलते हैं कि जैसा हम लोग क्लास 1st से लगा के 12th तक करते आए सेम उसी प्रोसीजर को यहां पर अप्लाई करना है। तो नाउ दे आर वेरी मच क्लियर, वो एकदम क्लियर है। सेकंड टाइप के स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है लेकिन वो रट नहीं सकते, इस वजह से उनको ना थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है। तो नाउ उनके लिए ना राइटिंग प्रैक्टिस सेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा? उनके लिए राइटिंग प्रैक्टिस सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिकॉज क्वेश्चन को पढ़ना कैसे और क्वेश्चन को पढ़ के कौन से प्रोविजन को हिट करना है यहां पर और उन प्रोविजन के क्या क्या कीवर्ड लिखना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड कैटेगरी भाई जिसके लिए मैं ये काम स्पेसिफिकली कर रहा हूं, थर्ड कैटेगरी में वो बच्चा आता है भाई जिसका क्लास 1st से लेकर 12th तक स्कूलिंग बैकग्राउंड भी बहुत पुअर रहा है या अच्छा नहीं रहा है। दूसरी चीज जिसका क्लास 12th तक पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था बट फिर भी अचानक से 12th के बाद में भाई पता नहीं कहां से कोई एनर्जी आ गई, एक नया जोश जुनून उमंगे तरंगे आ गई, या उसने बोल दिया कि पहले तुम सीए कर लो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खा लूंगी, उसके चक्कर चक्कर में बाबू तुम सीए करने आ गए, तो मालिक कोई बात नहीं तुम्हारे लिए भी मैं काम करूंगा। एंड तीसरी चीज भाई वो बच्चे जो या तो हिंदी मीडियम से अभी इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हुए हैं या वो पहले इंग्लिश मीडियम के भी थे बट यार पढ़ाई में बड़ी प्रॉब्लम थी, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग में बड़ी प्रॉब्लम थी और अब अचानक से सीए फाउंडेशन में ऑप्ट तो कर लिया, सीए फाउंडेशन ले तो लिया है भाई, सीए करने का ठान तो लिया है, लेकिन वहां पर ना ये लॉ जैसे सब्जेक्ट में ना कहीं टेक्निकल सब्जेक्ट टेक्निकल वर्ड्स को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आता है कि साहब क्या करें, किताबें पूरी पढ़ ली याद कुछ रहता नहीं है, जब भी कोई नया टेस्ट में क्वेश्चन पेपर आता है तो भाई वहां पर यह समझ में नहीं आता है कि इस क्वेश्चन में आंसर क्या लिखे। तो भाई तुम्हारे लिए ना सबसे ज्यादा काम मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, देखो अंडरस्टैंड करो भाई, दुनिया में जब भी कोई काम तुम फर्स्ट टाइम करोगे ना या जब भी तुम लोगों ने कॉमर्स भी फर्स्ट टाइम लेना लेकर पढ़ना स्टार्ट किया था ना भाई तो एकदम कंफर्टेबल तुम लोग नहीं हुए थे। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैं क्लास के फर्स्ट डे पे ही बोलता हूं कि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम 11th 12th में नहीं पढ़ के आते हो, तुम्हारे सीए फाउंडेशन की जर्नी में तुम लोग ये पहली बार पढ़ते हो, तो भाई ये भी काम तुम पहली बार कर रहे हो। एंड बिलीव मी आपको पता है, देखो ये 6-6 नंबर के लिए कैसे क्वेश्चन पूछता है, इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो अवेयर अबाउट दैट फैक्ट कि यार बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे है, हम लोग यहां पर उनसे LLB LLM या CS लेवल के क्वेश्चन यहां पर CA में नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते भाई? क्योंकि यहां पर बच्चे का जो कोर फोकस जो होता है ना वो अकाउंटेंसी पे होता है, कोर फोकस इकोनॉमिक्स पे होता है, एंड देन उसके बाद में चूंकि उसने ऐसा सुना हुआ है कि यार मैथ्स में तो भाई अथा बच्चे फेल होते हैं और मैथ्स में तो भाई बड़ा प्रॉब्लम आता है, तुक्के लगाओ तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, एंड यार 80% स्टूडेंट्स का ना 11th 12th में मैथ्स नहीं होता है, देन दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट मैथ्स, तो मैथ्स पे भी ना बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। एंड देन हमारा 4th नंबर पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट आता है, तो मालिक 4th नंबर पे पहली बात तो आप इस सब्जेक्ट को रख रहे हो, देन उसके बाद में आप इस सब्जेक्ट को केवल देखते हो और देख के ही बोलते हो कि यार हमसे कुछ बन नहीं पा रहा है, भाई करना पड़ेगा ना, जब तक तुम ठानोगे नहीं, जब तक तुम अपने आप से डिटर्मिनेशन नहीं करोगे कि यार मुझे इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, अच्छे नंबर से अच्छे नंबर लाकर मुझे सीए फाउंडेशन की एग्जाम क्लियर करना है, भाई तब तक होगा कैसे?
हाथों की देखो ना, ये पांच उंगलियां, ये पांच उंगलियां कभी भी एक जैसी थोड़ी ना होती है। देखो ये जो है ना भाई, ये मेरा जो अंगूठा है, ये मैच या लॉ का बोल दो, और ये जो टीची उंगली है ना, ये टीची उंगली, ये दोनों में से एक को मैच का नाम दे दो, एक को लॉ का नाम दे दो भाई। ये दोनों जो है ना, ये सपोर्ट है, और बीच में ये जो तीन उंगलियां है, इन तीन उंगलियों से तुम लोग क्या करते रहते हो पता है, बार बार इन्हीं को सजाते रहते हो, तुम लोग इन्हीं को संवारते रहते हो, बार बार तुम लोग इन्हीं को निहारते रहते हो। भाई ये दो भी तो तुम्हारी इन हाथों की पांचों उंगलियों का ही पार्ट है, इसको भी तो फोकस करना पड़ेगा ना भाई। तो तुम लोग क्या करते हो, ये चीज अच्छे से तुम्हें आती है, तुम इस पर मेहनत करते जाते हो, इसको निखारते रहते हो, तुम्हें इस पे और इस पे, इस अंगूठे पे और इस टीची उंगली पे भी काम करना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, आज जहां पे तुम लोग खड़े हो, यहां से भी तुम्हारे पास इतना टाइम है कि जब तुम लोग जीरो से भी स्टार्ट करोगे ना मालिक, जीरो से भी स्टार्ट करोगे, तो भी तुम लोग सीए फाउंडेशन में वापस से एग्जामिनेशन तक पास होने वाली सिचुएशन में आ सकते हो। सो दोज हु आर वरीड अबाउट कि सर पिछले चार महीने चले गए, पांच महीने चले गए, हमने कुछ नहीं किया, हमने बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन मालिक नहीं कर पाए, या तो हमने पढ़ाई के लिए प्रॉपर टाइम टेबल ही नहीं बनाया, या हम पढ़ाई को लेकर सीरियस ही नहीं हो पाए, या मालिक हम लोगों ने कुछ दूसरी दूसरी एक्टिविटीज में लग गए, लेकिन मालिक अब हमें ऐसा लगता है कि अब नवरात्रि भी आज से बैठ रहे हैं, और नवरात्रि के दिन से मालिक हम लोग माता रानी का आशीर्वाद लेकर इस सीए फाउंडेशन की जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो बिलीव मी मैं आपको गारंटी देता हूं, सीरियसली सिंसियरली आज से एफर्ट डाल दो तो भी जो तुम्हारा एग्जामिनेशन की डेट है वहां तक तुम एटलीस्ट दो बार रिवीजन कर लोगे। एंड यार अपन को पूरे 100 नंबर नहीं लाना, अपन को 80 नंबर भी लाना है, अपने को 70 भी लाना है। अरे मालिक सबसे पहले तुम इस सब्जेक्ट में ना 50 नंबर लाने की तैयारी कर लो। यदि 50 नंबर तुम ले आओगे ना, ये 50 ले आओ ना भाई, देखो ना ये हाथों की तुम्हारी तीन उंगलियां ना, ये 70-80-90 नंबर की खड़ी है तुम्हारे पास, तो तुम यहां पर इन दो सब्जेक्ट में 70-80-90 नंबर ले आना। लेकिन यार ये जो छोटी छोटी उंगलियां है जिनकी तरफ तुम ध्यान नहीं देते हो, ठीक है, ये टीची उंगली की तरफ तुम ध्यान नहीं देते हो, छोटू से अंगूठे की तरफ तुम ध्यान नहीं देते हो, मालिक इसमें 50 नंबर की तैयारी कर लो। स्मार्ट मूव प्ले करो भाई, स्मार्ट मूव प्ले करो। फाउंडेशन पास करना है, फाउंडेशन पास करके हमको इंटरमीडिएट में जाना है, हमको यहां पर फेल थोड़ी ना होना है, या ऐसा थोड़ी ना करना है भाई कि दो सब्जेक्ट में 80-80 नंबर लिया है और इन दो सब्जेक्ट में 35-40 नंबर लिया है। नहीं भाई नहीं, एग्रीगेट सबसे पहला टारगेट, हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 40 लाना है। दूसरा टारगेट मिनिमम जो 200 का मैजिकल नंबर है उस मैजिकल नंबर को क्रॉस करना है। उसके बाद तो यार स्काई इज नॉट द लिमिट फॉर यू यार, जितने नंबर लाना उतने ले आना, 400 से ज्यादा नहीं आ पाएंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखो भाई, और पढ़ो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पढ़ो, चीजें समझ में आ रही है समझो, नहीं समझ में आ रही है अबे रट्टा लगा दो भाई, रट्टा लगा दो। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू ना, 70 नहीं लाना, 80 नहीं लाना, 90 नहीं लाना है, 60 भी नहीं लाना है भाई, पहला टारगेट है हमारा 50 लाना है, जो बच्चे बहुत वीक है। मैं फर्स्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, नालायकों तुम लोगों को तो 90 लाना है इधर, ठीक है। तो यार इस तरीके से तुम लोग पढ़ो और बढ़िया पढ़ो, कोई टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है, एकदम रिलैक्सिंग माइंडसेट के साथ पढ़ो। यदि दो सब्जेक्ट तुम्हारे बहुत अच्छे, इन दो सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स ही लिया हो यार, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। इतनी बात ध्यान रखना, एग्जाम में जा रहे हो खाली हाथ वापस मत आना, 200 नंबर लेके पास हो जाना यार, बट खाली हाथ मत आना, दोबारा अटेम्प्ट नहीं देना है हम लोगों को, इसी अटेम्प्ट में पास होना है, और इस अटेम्प्ट में पास होने के लिए भाई जो जो तुमको चाहिए वो मैं देगा, लेकिन तुमको इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है, पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई मैं इंस्ट्रक्टर हूं, तुम एग्जीक्यूटर हो, यदि तुम लोग एग्जीक्यूट ही नहीं करोगे ना, तो मैं कितना भी अच्छा इंस्ट्रक्टर क्यों ना हो, मेरी बात सारी बेकार हो जाएगी, तुमको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बोले ओके मालिक डन, चलो राइट्स ऑफ ट्रांसफरी एज एन पार्टनर्स इंटरेस्ट के ऊपर हम लोग यहां पर थोड़े बहुत प्रोविजन मेंशन कर लेते हैं, जो हमारी बुक में एज इट इज लिखे हुए। चलो भाई यहां पर हम लोग लिखेंगे ट्रांसफर बाय अ पार्टनर ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म ईदर एब्सोल्यूट और बाय मॉर्गेज और बाय द क्रिएशन बाय हिम ऑफ अ चार्ज, मतलब हमारी बुक में प्लेज लिखा हुआ है यहां पर, ऑन सच इंटरेस्ट does not entitles the transferee during the continuance of the firm to interface in the conduct of business or to require accounts or to inspect the books of the firm, but entitles the transferee only to receive the share of प्रॉफिट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर्स, पार्टनर लिखेंगे नॉट पार्टनर्स, ट्रांसफरिंग पार्टनर एंड द
transferee shall accept the accounts of profits agreed to by the partners. ओके, सो यहां तक हम लोगों का प्रोविजन लिखना पूरा हो गया. नाउ फाइनल लास्ट कंक्लूजन लिख देते हैंस. क्या प्रतीक भाई ऐसा कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे भाई? वो इंस्पेक्शन के लिए डिमांड नहीं कर सकते, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपी नहीं मांग सकते. हैंस हियर मिस्टर प्रतीक द ट्रांसफरी इन मेसर्स एबीसी एसोसिएट्स कैन नॉट इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म एंड contention of the other partners is right that Mr. Pratik cannot challenge the books of accounts. 6 number ka ye simple question ka pura ki pura answer malik tumhare samne hai. So now this is all about today's lecture. एंड यहां पर मैंने जो भी तुमको बीच में इंस्ट्रक्शन दिए, प्लीज फॉलो दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन. बाकी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के कुछ और क्वेश्चंस के साथ में मैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा. तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड.